माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। चर्चा करेंगे अक्टूबर के वृहद राशिफल की, आपके कैरियर से लेकर पैसे तक क्या असर पड़ने वाला है अक्टूबर का महीना। हालांकि अक्टूबर का महीना बहुत खुशियाँ लेके आता है, यही वो महीना है जहाँ मलमास में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं, और यही वो महीना है जहाँ शरद नवरात्रि आती हैं, माँ दुर्गा के 9 दिन हमें मिलते हैं जो कि हमें अगले 6 महीने तक स्वस्थ, अच्छी नौकरी, अच्छी आमदनी का वादा दे के जाते हैं। तो इसलिए अक्टूबर का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी, और जितना भी हो पाए पूजा पाठ में अक्टूबर का महीना लगाइएगा, आपको लाभ। चलिए अब राशि फल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों खास तौर से कैरियर और व्यवसाय में थोड़ा गुस्सा रहेगा, उत्तेजना रहेगी, इस वजह से काम नहीं बनेंगे, अधिकारी वर्ग नाखुश रहेंगे, गुरु की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसी के साथ साथ खास तौर से हेल्थ पे पिता का भी ध्यान दीजिएगा। मन अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से मनमुटाव होगा, शादी के प्रपोजल लेके भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे। जो लोग गर्भवती हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हनुमान जी को बूंदी चढ़ानी है हर मंगलवार। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। अगर आपकी बात करें तो चतुर्थ भाव में खास तौर से आपके शुक्र रहेंगे, आपके लग्न के मालिक निश्चित तौर पर लाभ देंगे, भाई बंधु का सहयोग मिलेगा, घर गाड़ी बंगले का सुख मिलेगा, सुख की अनुभूति होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म होगी और ख़ास तौर से खर्चों पे लगाम लगेगा और इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा। आपके स्वभाव में आपको थोड़ा सा नरमी लानी होगी ज़्यादा लाभ के लिए। उसी के साथ साथ नई नई समस्याएँ ना उत्पन्न हो तो सोच विचार के ही कोई काम करिएगा, तभी लाभ ज़्यादा रहेगा। बात करें अगर महा उपाय की तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। यह महीना थोड़ा विशेष है आपके लिए, लाभकारी महीना दिख रहा है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, नई सफलता मिलने के संकेत हैं, नौकरी व्यापार में लाभ के संकेत हैं। उसी के साथ साथ व्यावसायिक जीवन बेहतर रहेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, धन लाभ, सफलता, नौकरी में उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से जो लोग गर्भवती हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा, आय के नए साधन बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। अगर उपाय की बात करूं तो आपको सूर्यदेव को जल देना है गायत्री मंत्र के पाठ के साथ। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। थोड़ा बहुत घर में तनाव हो सकता है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, घर में चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त हो सकती हैं, कारोबार में भी थोड़ा कम सहयोग मिलेगा लोगों का, धन लाभ थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, कोई विशेष खर्च की योजना ना बनाएं, शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही लाभकारी रहेगा। कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन थोड़ा ख़राब रहेगा इस महीने, थोड़ा फोकस रखने की ज़रूरत है, व्यर्थ के कामों में ना पड़ें, वोमेन और वाइन में ना पड़ें, लाभ मिलेगा। सोमवार का व्रत करिए, लाभ मिलेगा ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो यह महीना निश्चित तौर पर आपके लिए मेहनत वाला महीना है, लेकिन आपको पैसा रुपया भी खूब मिलेगा, यात्रा का भी योग है। उसी के साथ साथ नौकरी व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, धन लाभ मिलने के संकेत हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा और ख़ास तौर से 15 तारीख के बाद अचानक से पैसा बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा, नौकरी से भाग्योदय का योग बन रहा है, नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से लाभ। अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के जो काम रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे, स्वास्थ्य की समस्या खत्म होगी, भाग्य में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, 14 तारीख तक ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसके बाद भाग्य मध्यम रहेगा। तनाव की स्थिति में मेडिटेशन का सहारा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा मन में असंतुष्टता और नेगेटिविटी बनी रह सकती है। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करके ही घर से निकले, लाभ मिलेगा। शीघ्र विवाह का योग है, मैरिज में लाभ के योग हैं, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, कुल देवी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए आय के साधन बह रहेंगे, खर्चों में कंट्रोल होगा, इसी के साथ साथ इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करें, कंसंट्रेशन अपना बनाए रहें, तभी लाभ मिलेगा।
धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, पराक्रम में वृद्धि होगी, धन के मामलों में वृद्धि होगी और नौकरी व्यापार में कोई लाभ मिलेगा। यात्रा करते समय बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई चीज़ें इधर उधर खो ना जाए, आपसे उस पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। गुरु और धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, लाभ मिलेगा। शनि स्रोत का पाठ करिए। वृश्चिक राशि वालों, धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होना शुरू हो रही हैं आपके लिए। मेहनत जरूर ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत का फल भी थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन खर्चों पे भी कंट्रोल होगा, जीवन बेहतर होगा और स्थितियाँ बेहतर होंगी। धर्म में कहीं ना कहीं लाभ के संकेत मिल रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धनु राशि वालों, शारीरिक सुख संभव है, मानसिक सुख संभव है, उसी के साथ साथ अगर ऋण लेना पड़ रहा है तो मना लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यात्रा, विदेश यात्रा या वीज़ा से संबंधित कोई खुशखबरी आ सकती है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बनते काम में अगर बिगड़ रहे हैं तो गणेश जी की उपासना करने से लाभ मिलेगा। 17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा नौकरी में सरदर्द में इस तरह की समस्या आ सकती है। आपको खास तौर से जल में थोड़ा हल्दी डाल के सूर्यदेव को जल देना है तो लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों, यही मौका है चौका मारने का। ये महीना आपके लिए हर तरह से लाभकारी, हर तरह से आपकी भगवान सुन रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे खर्चे हो, चाहे आमदनी हो, लाभ ही लाभ है। खास तौर से कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ खास तौर से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस पुलिस कोर्ट कचहरी में ना फंसें, धन लाभ पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जौ का दान करिए, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, खास तौर से पति पत्नी के बीच क्लेश, घर में छोटे मोटे झगड़े, स्वास्थ्य को कुछ लेके समस्याएं हो सकती है, लेकिन 16 तारीख के बाद सब बेहतर होगा। सो जो आपकी योजनाएं हैं बेहतर होंगी। मांगलिक कार्यों में थोड़ा कहीं ना कहीं आपका मन ज़्यादा लगेगा, धार्मिक कार्यों में मन ज़्यादा लगेगा। कोई इन्वेस्टमेंट है तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा। अब उपाय अगर आपको कहूँ तो आपको निश्चित तौर पर 1.25 किलो हल्दी का दान करना है, लाभ। मीन राशि वालों, कर्म स्थान में रहेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ आप मेहनत करेंगे सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा, धन संबंधी लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ कार्य के प्रति ऊर्जावान रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। खास तौर से आपके लिए यात्रा भी सुखद रहेगी, विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रति मिनट का बहुत बहुत धन्यवाद।